यह रोड खितासराज चौराहे की तरफ से इस तरफ से आता है, तो यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग है, ये देख सकते हैं। ये इस वक्त रेलवे क्रॉसिंग बंद है और कोई ट्रेन आने वाली है, तो आप यहाँ की रेलवे क्रॉसिंग देख सकते हैं। और सीधा वो खितासराज चौराहे से सीधा ये आता है और ये देख सकते हैं रेलवे क्रॉसिंग है। और ये देख सकते हैं ये खितासराय का रेलवे स्टेशन, ये खितासराय का आप बोर्ड भी देख सकते हैं। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं खितासराय का जो रेलवे स्टेशन जो प्लेटफार्म यहाँ पे बना हुआ, तो देख सकते हैं ये वाला प्लेटफार्म जो है प्लेटफार्म नंबर 2 का नया निर्माण किया गया था कुछ दिन पहले, यहाँ पर बना हुआ है। तो ये देख सकते हैं ये जो रेलवे लाइन यहाँ पे बिछी है यहाँ से वहाँ तक प्लेटफार्म नंबर 2 के लिए पूरी नई रेलवे लाइन का काम यहाँ पर किया गया है खितासराय स्टेशन पर। तो देख सकते हैं पूरा टोटल जो है यहाँ से वहाँ तक पूरा नई रेलवे लाइन पटरियों का नया काम किया गया है और नया प्लेटफार्म का काम किया गया है। आगे पब्लिक को आने जाने के लिए ब्रिज भी बनाई गई है, वो भी नया निर्माण हुआ है। तो आगे चलकर हम आपको दिखाते हैं, पहले यहाँ का थोड़ा सा भी आप ले सकते हैं। तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि इस तरफ खंभे वंभे लगा के पूरी बाउंड्री की गई है और उस तरफ का पूरा आप देख सकते हैं इस वक्त क्रॉसिंग बंद है, ट्रेन आने वाली है। और खितासराय चौराहा उस तरफ है और इस ये देख सकते हैं ये रोड सीधा यहीं से कट के जाता है और पूरा ये और उस तरफ का देख सकते हैं प्लेटफार्म नंबर 1 है। और ऊपर का देख सकते हैं इलेक्ट्रिक सिटी का पूरा यहाँ से वहाँ तक का बोर्ड लगा हुआ है और ये सब देख सकते हैं। ये जो काम हुआ है खितासराय रेलवे स्टेशन पर ये न्यू काम हुआ है, अभी नहीं हुआ है, कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले हुआ है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं, प्लेटफार्म का आपको पूरा व्यू और पूरा नज़ारा दिखाते हैं, क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या काम हो चुका है, सब चीज़ें हम कवर करके आपको दिखाते हैं, वीडियो बने रहना। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा इस तरफ का जो है इस तरफ जब यात्री लोग ट्रेन से उतरते हैं तो ये पूरा टोटल यहाँ पर यहाँ से वहाँ तक पूरा लगाया गया है। और ये देख सकते हैं ईंटें यहाँ तक बिछाए गए हैं, रंग बिरंगे कलर की ईंटें जो है बिछाए गए हैं, सीमेंटेड ईंटें। और इस तरफ देख सकते हैं इस तरफ की जगह खाली है और इस तरफ कोई ईंटें वगैरह नहीं बिछाए गए हैं। इस तरफ देख सकते हैं लाइटिंग वगैरह के खम्भे वगैरह यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये देख सकते हैं पूरा ये यहाँ से वहाँ तक पूरी जो है ये खाली नज़र आ रही है एक तरफ की, और इधर गटर वटर भी है। और एक तरफ का इस तरफ का की बात करें तो इस तरफ देख सकते हैं इस तरफ का पूरा फिनिशिंग दी गई है और उस साइड में पीछे साइड में खाली है और पूरी बाउंड्री से देख सकते हैं दीवार घेरी गई है। ये सब ऑल टोटल यहाँ पर नया काम हुआ है खितासराय रेलवे स्टेशन का। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है तो सेम इसी तरीके जिस तरीके से इस तरफ है उस सेम उसी तरीके से उस तरफ भी प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो आगे साइड में आपको ईटा बिछा नजर आएगा, उसके थोड़ा उस साइड में लास्ट साइड में जहाँ जिस तरफ दीवार डिवाइडर उठा है उस साइड में आपको ईटा बिछा नजर नहीं आएगा। और खम्भे वगैरह उस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी पूरा टोटल लगाया गया, प्लेटफॉर्म नंबर 1 का भी नया काम किया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों ये लाइनें भी आप देख सकते हैं, ये जो लाइनें हैं ये लाइनों का नया निर्माण किया गया है। जब यहाँ पर प्लेटफार्म नया ही बना है प्लेटफार्म नंबर 2, तो लाइन भी यहाँ पर बनाई गई है, लाइन चालू है, ऐसा नहीं चालू नहीं है क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम पे तो बना नहीं, जल में बना नहीं है, काफ़ी दिन हो गया प्लेटफार्म को बने हुए। आगे देख सकते हैं एक लाइन यहाँ से है, एक लाइन वो देख सकते हैं बीच से, उसके बगल में एक लाइन है, उसके बाद लास्ट में यहाँ पर चार चार लाइनें हैं, ये देख सकते हैं चार चार लाइनें हैं। देख सकते हैं खंभा वंबा वगैरह यहाँ पर लाइट वगैरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है और कनेक्शन अभी ज्वाइंट नहीं है, तार निकाल के छोड़ दिया गया है यहाँ पर। और इस तरफ साइड टॉयलेट वगैरह यहाँ पर बनाया गया है। और आगे हम आपको दिखाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 का पूरा वहाँ आगे का व्यू दिखाते हैं और पब्लिक ब्रिज जो आने जाने के लिए बनी है वो उसका भी नया निर्माण यहाँ पर किया गया खितासराय रेलवे स्टेशन पर।
पूरा फिनिशिंग हो जाता है, ये स्टेशन पूरा फिनिशिंग हो जाता है। इस तरफ का जिस तरफ घास वगैरह पूरा यहाँ से वहाँ तक टोटल जमी हुई है, और उस तरफ भी घास वगैरह जमी हुई है, तो काफ़ी और भी सुंदरता इस स्टेशन की बढ़ जाएगी। वैसे सुंदरता तो है ही है, काफ़ी साफ सफाई का भी ध्यान यहाँ पे नज़र आ रहा है, ध्यान रखा जा रहा है साफ सफाई का। थोड़ा कचड़े उचड़े हैं तो उस साइड में है, लेकिन जिस तरफ जो है काफ़ी साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। कुर्सी वर्सियाँ देख सकते हैं, पब्लिक को बैठने के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं पूरा इलेक्ट्रिक सिटी का यहाँ पे पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा लगाया गया है, और उस तरफ भी खंभे वगैरह लगाए गए हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक सिटी का, जो लाइटिंग व्यवस्था पूरी टोटल की गई है। अभी इस रेलवे स्टेशन पे बहुत काम बाकी है, जैसे कि जैसे गाड़ी ट्रेन खड़ी होती है तो ट्रेन के पास जो बोगी रहती है, बोगी नंबर होता है, तो उसका बोर्ड वगैरह भी नहीं लगा, वो नज़र नहीं आ रहा है, तो वो सब लगाना बाकी है। और बाकी पानी वानी की भी व्यवस्था करना यहाँ पे बाकी है, कि पानी देखिए वहाँ से वहाँ तक में पानी कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ बैठने के लिए यहाँ बनाया गया है। तो उस स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आप देखेंगे तो वहाँ से लेके इस तरफ अगर देखा जाए तो पानी व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पर जो खेतासराय लिखा हुआ है, तो खेतासराय के बगल में ही जो रेलवे स्टेशन का मेन गेट है उसके बगल में पानी की व्यवस्था यहाँ पर एक नज़र आ रही है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है उस तरफ का, और उसी तरफ का मेन गेट है, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। तो यहीं से आपको दिखाते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू, देख सकते हैं थोड़ा सा जूम करते हैं। और चलिए यहाँ से धीरे धीरे चलते हैं पब्लिक ब्रिज, जो सामने पब्लिक ब्रिज है उस ब्रिज के पास चलते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर चलते हैं, ऊपर से थोड़ा सा व्यू हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक हैंड पाइप की व्यवस्था की गई है, घास वगैरह यहाँ पे जमी है, और यहाँ पे जगह जगह पे गटर टाइप का बनाया गया है पानी पास होने के लिए। बैठने के लिए अच्छी खासी यहाँ पे व्यवस्था है, काफ़ी छांव है और हवा भी आ रही है। उस तरफ पेड़ है और उस पीछे साइड में खेत है, इसकी वजह से यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। तो ये देख सकते हैं सामने से ट्रेन आ रही है, और वहाँ पर देख सकते हैं झंडी लेके खड़े हुए हैं, थोड़ा सा हम जूम करते हैं, ये देख सकते हैं, और इसी ट्रैक से जाएगी शायद ये वाली ट्रैक से दूसरे नंबर से। ये देख सकते हैं लाइन, देख सकते हैं ये नई लाइन का निर्माण किया गया है, नए प्लेटफार्म का निर्माण किया गया, और इस तरफ का देख सकते हैं यहाँ तक पूरा ईटा बिछा दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ तक ईटा बिछा हुआ है, ये देख सकते हैं गटर, और उस साइड में नालियाँ देख सकते हैं, नालियाँ भी एक छोटी नालियाँ यहाँ पर बनाई गई है, और पूरा कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर ये पूरा बिछ जाता है, जो घास नज़र आ रही है पूरा बिछ जाता है, तो और भी खूबसूरती बढ़ जाएगी इस रेलवे स्टेशन की। तो ट्रेन जो आ रही है काफ़ी फास्ट आ रही है, तो ये कौन सी ट्रेन है, मालगाड़ी है क्या, तो थोड़ा पास आ जाती है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी ट्रेन है। तो ये देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ आ चुकी है ऊपर जाने के लिए, तो ऊपर भी चलते हैं, आपको थोड़ा सा ऊपर का व्यू दिखाते हैं। उससे पहले हम आपको ये ट्रेन दिखाते हैं, काफ़ी फास्ट आ रही है, देख सकते हैं मालगाड़ी है, काफ़ी फास्ट जा रही है, इसकी रफ्तार आप देख सकते हैं काफ़ी रफ्तार से जा रही, देख सकते हैं कितनी रफ्तार है। इस गाड़ी का आप स्पीड जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट करके स्पीड बताइएगा कितनी स्पीड हो सकती है इस ट्रेन की, ये देख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कहाँ पहुँच गई ट्रेन, वो देख सकते हैं कहाँ पहुँच गई,
और कितनी जल्दी आई, कितनी स्पीड में आई, कितनी जल्दी यहाँ से पार भी हो गई स्टेशन से। और मालगाड़ी जब आती है बहुत स्लो आती है, लेकिन ये मालगाड़ी काफ़ी फास्ट आई है। मालगाड़ी जब जाती है क्रॉसिंग वगैरह बंद रहती है तो धीमे धीमे जाती है, लोग बोर हो जाते हैं वहाँ क्रॉसिंग पर खड़े खड़े कि कैसे पार हो। तो हम उसके बाद जहाँ इसको जाना हो जाए, यह दे सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पब्लिक ब्रिज जाती है, प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो यहाँ पर दो ही प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म है, तो उस तरफ का भी दे सकते हैं। पूरा टोटल यहाँ से वहाँ तक बना है और उस तरफ का पूरा भी बना हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का भी काम बहुत किया गया है, उसको भी काफ़ी हद तक काम यहाँ पर किया गया है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 का आप भी दे सकते हैं। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं, आपको थोड़ा सा ऊपर से व्यू दिखाते हैं। दोस्तों हम ऊपर की तरफ आ चुके हैं, तो इस तरफ से हम आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबा बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं पूरा इस साइड में खेत है और पूरा प्लेटफॉर्म का व्यू आप ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 का। अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई काम तो चल नहीं रहा है, जो काम हुआ है पहले ही हुआ है यहाँ पर। ये जो ब्रिज आपको नज़र आ रही है, नई ब्रिज का निर्माण किया गया है, ये देख सकते हैं इस तरफ का। और थोड़ा उस तरफ चलते हैं, उस तरफ का हम भी आपको दिखाते हैं, उसके बाद वीडियो के एंड करते हैं। तो ये देख सकते हैं ऊपर का, ये टीन सेट ऊपर लगा हुआ है। अगर जौनपुर जंक्शन में पर भी ये इस टाइप का लग जाता है तो बारिश का पानी नहीं रुकेगा है? इस तरफ का व्यू चलिए दोस्तों, ये था खेतासार रेलवे स्टेशन का व्यू और यहाँ का नज़ारा, जो कुछ यहाँ पर कवर हो पाया वो हमने आपको दिखाया, और जो यहाँ पर काम हुआ है सब चीज़ें हमने कवर किए, जो यहाँ और कोई काम यहाँ पर नया नहीं हो रहा है। तो चलिए चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।